हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं हल्द्वानी टू अल्मोड़ा। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो हम रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मैं तो रेडी हो ही चुका हूँ। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव और पूरी फैमिली जा रही है हमारी गांव। तो आज आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा, आपको बहुत काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों के व्यूज़ होंगे। तो और देखते हैं हम कि अभी दीक्षित क्या कर रहे हैं। तो दीक्षित यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और हम दोनों भाइयों ने वाइट पहना हुआ है आज। दोनों बिल्कुल वाइट अच्छा लग रहे हैं ना हम दोनों। मेरे दोनों ब्रदर हैं तो इसलिए हमने वाइट पहना हुआ है। मैं जरा तैयार हो गया तो चलो ठीक है। जब तक दीक्षित तैयार होते हैं तो और देख लेते हैं फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं आगे। तो गाइस, आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ब्लॉग में बिल्कुल बने रहिए। हाँ, तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, तो सबको देख लेते हैं, सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो दीक्षित रेडी हो फिर? अब हो गए पापा? हाँ, मैं पापा, तो रेडी हूँ। पापा तैयार नहीं हुए अभी। और मम्मी कहाँ पे है? मम्मी इधर है। माते, ये देखो मैं आपको आज अपनी मम्मी से मिलाता हूँ। और हाँ मम्मी, कस लागणो आज? यो दूसरो ब्लॉग छे। बहुत लागणो, आप घर जानो आज, घर जाने तैयारी है रे। और के प्रिंस है तू? यो दूध पुणे में आप घर जाऊ तैयार है रे। अच्छा, और बता, और कस लागणो? मतलब अब बड़ी लागणो के लिए चैनल बनू छे, बहुत बहुत लागणो। हां, देते हैं अपने चाचा से। चाचा हमारे तैयार हो चुके हैं। और चाचा, आप किससे आओगे? कार से आओगे या स्कूटी से आओगे? मैं स्कूटी से आता हूँ, मजे से, तुम्हारे पीछे पीछे। नहीं आप ना? नहीं तो कार से चलो आप। नहीं, कार से नहीं, मेरे को स्कूटी में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा हो चुकी है, तो दो स्कूटियाँ भी जा रही है और एक हमारी कार भी जा रही है। तो चाचा बोल रहे हैं कि हम कार में ही आना पसंद करेंगे। नहीं, स्कूटी में आना पसंद करेंगे। तो कोई बात नहीं, इनको वादियों के मज़े लेते हुए आने, तो इनके भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट करेंगे मिल गए तो रास्ते में। तो अब मिलूल बुबू हूँ तुमको। बुबू यार देखो यार, तुम दिखे जा यूँ, अब तुमको ले पहचाना ले जा यूँ। हमार बुब छी आज यूँ दो दिन पहली एड छी यहाँ। हम हरिद्वार जाए पर हरिद्वार वाला हम तुमको वीडियो दिखा नहीं पाए, पर अब तुमको बुब दिखते रहो घर व्लॉग में। अब बुबू तुमको कैसे लागो आज घर में जान से तुम? बढ़िया लागो ठीक से पे ठीक से हो घर पे जाबे मडवा रोड फूल कथा ही था तुमको बहुत लागो था गरम को तुम होने थे गरम ज्यादा ही होना यहाँ हो यहाँ गरम ज्यादा होना ना। चलो बुबू ने मिला है तुम सबको। और चलो तैयारी कर लू, सब ऑलमोस्ट तैयार है ही, पूछ गई बाजू तैयार नहीं है रहा है। चलो पा अगिल देख लू आपके यहाँ के नहीं। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और हम सब निकल रहे हैं बस अब। तो ये भैया भी गाड़ी मोड़ने वाले हैं, तो इनको देखते हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब जाने को तैयार हैं। भैया भी गाड़ी मोड़ के आ चुके हैं और बस निकल रहे हैं। दीदी थोड़ा आज लेट आएगी, उनको थोड़ा काम है। तो मेरी ये सब रेडी हो चुके हैं और सब गाड़ी जॉन को भी गाड़ी में बिठा दिया है। सो लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ को और आगे का आपको ट्रैवलिंग पूरा टूर दिखाएंगे, क्या क्या बीच में पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बाजूले भैरी, बुबले भैरी बैठे हैं और हमारे जॉन ले भैरो बीजा। और ये जॉन आपको दिख रहा है क्या? ये है हमारा जॉन, ये है मेरा भुटिया कुत्ता। इसको गाड़ी में बैठना बहुत पसंद है, जब भी हम जाते हैं कहीं सीधे पहले ये गाड़ी में बैठ जाता है। हाँ, इसकी ये आदत बहुत अच्छी है, हमें नहीं छोड़ता है। हमने पेट्रोल भरवा लिया है गाड़ी में और अभी पापा जरा फ्रूट्स ले रहे हैं, उसके बाद हम निकलते हैं इधर से। अभी हम काठ गोदाम पे हैं, इसके आगे से अब यहाँ से पहाड़ लगना शुरू हो जाते हैं, तो उससे आगे आपको पहाड़ का व्यू दिखाते हैं। अब हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल आपको पहाड़ों का बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाएंगे। अब आए हैं तो अब वीडियो को पूरा देख के ही जाना, बिल्कुल लाइक और कमेंट खूब सारा प्यार देना है इस वीडियो को और शेयर करना इसको। सिर्फ आप लोगों के लिए इतना प्यार और इतनी मोहब्बत से इस वीडियो को हम बना रहे हैं।
एंटर हो चुके हैं मीमताल में। आपको शायद ऐसे कुछ दिखे ताल, अभी आपको पूरा व्यू दिखाते हैं ताल का। वो आगे बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। तो आप लोग, जैसे मैं यहाँ साइड पे आ चुका हूँ, तो आप यहाँ नीचे का व्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी है और नीचे को पूरा व्यू दिखता है। और ये मेरा डॉगी, ये डर बहुत रहा है नीचे जाने से, इसको पानी से बहुत डर लगता है। अभी चलते हैं नीचे को। भैया बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे। भीमताल में आ चुके हैं और ये और अभी यहाँ पर बोट भी है, ये बोट है और ये पूरा पानी है, पानी बहुत हिल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा स्ट्रेट व्यू देता हूँ इसका। आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे पीछे जो ये होटल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है सीज़न टाइम में। आप यहाँ पे होटल्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर्विस बहुत अच्छी है भीमताल से, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। आप कभी भी आइएगा तो यहाँ स्टे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम रहता है यहाँ का। तो गाइस आप बताना कि आपको ये भीमताल का ये छोटी सी ट्रिप कैसी लगी हमारी, और भीमताल से फिर आगे का आपको व्यू थोड़ी देर बाद दिखाते हैं इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। हमने यहाँ भीमताल पूरा घूम चुके हैं, हम यहाँ से पूरी झील पूरी देख चुके हैं और फैमिली मेंबर्स रेडी हो रहे हैं आगे जाने के लिए। पापा का फ़ोटो शूट चल रहा है और मम्मी भी, और हमारे बुबू भी यहाँ पे खड़े हैं। बुबू कैसे लागो तुमको भीमताल झील यार, ठीक से? बढ़िया लागो, बढ़िया। और मौसम कैसा है रो भाई बना? मौसम ठीक है, बढ़िया है रो ने? बढ़िया। अब तो तुम अपना पहाड़ा में गए, अब तो बहुत लागण ना वही। और ईजा तुके कैसे लागण? बहुत बढ़िया लागण बाबू, बस है भल लागो। ठंड ठंड लहरो यहां, बढ़िया है रो, बढ़िया मौसम है रो, बहुत बढ़िया। अच्छा तो गाइस सबको बहुत भल लागण इनु बना, तुमला हम तक इसे बनी रहो और अगले तुमको आए वीडियो दिखूनु हम। हाँ तो हम अभी पहुँच चुके हैं भवाली पे, और भवाली से यहाँ से दो रूट जाते हैं, एक मुक्तेश्वर को भी जाता है और एक जाता है रामगढ़ को। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, एक जाता है ऊपर घोड़ा खाल को, घोड़ा खाल मंदिर भी जा सकते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। और हम जिस रूट पे जा रहे हैं वो है अल्मोड़ा रूट पे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहिए। तो हम अभी कैंची धाम मंदिर पहुंच गए हैं यहाँ। ये बहुत फेमस मंदिर है, नीम करोली बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं गाइस, जैसे कि फेसबुक के ओनर हो गए, आईफोन के ओनर हो गए, तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और आपको आज इनके दर्शन कराएंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से आज मंदिर को जान पाएंगे देख पाएंगे, और आप भी दर्शन कीजिएगा। ये देखो मेरे हाथ पे है मिठाई, प्रसाद है जिसे कि हम आगे प्रसाद देंगे। सो यहाँ पर शूज उतारने हैं, कहाँ पर? यहीं पर उतारते हैं। तो गाइज आपसे मंदिर के अंदर मिलते हैं अभी। गाइज मेरे फैमिली वाले सब आगे चले चुके हैं, भैया भी जा रहे हैं, और ये द्वार है यहाँ का, यहाँ पर मम्मी भी जा रही है अंदर, और यहाँ भजन कीर्तन चल रखे हैं। आपको आवाज़ आ ही रही होगी, ये अंदर यहाँ भजन कीर्तन चल रखे हैं। देखिए आगे को कितना अच्छा है ये मंदिर, यहाँ पर शेर भी लगा रखे हैं दो एंट्री में। सो यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है तो बंद करें।
तो अब हम दर्शन करके आ चुके हैं नीम करोली बाबा जी के। फोन अलाउड नहीं थे इसलिए आपको अंदर दिखा नहीं पाए। हाँ, फोन अलाउड नहीं था इसलिए वहाँ हम आपको दिखा नहीं पाए। तो अब आपको पूरा व्यू यहाँ से दिखाते हैं। ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पीछे और काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे नदी भी है, नदी से नदी जा रही है और ये यहाँ काफ़ी अच्छा मंदिर है नीम करोली बाबा का। पर अंदर अलाउड नहीं था, अंदर हम कर रहे थे पर हमारा कैमरा ऑफ करवा दिया गया। तो ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं घर की तरफ को और फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमने खन्ना क्रॉस कर लिया है, अब हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा जो गांव है उसका नाम है पजीना। तो पजीना जो गांव जाता है वो है ये रानीखेत वाली रोड से होते हुए हम आगे को जा रहे हैं। फिर आगे एक बैंक पड़ता है बाबा, कौन सा बैंक है वो? पंजाब नेशनल बैंक हो गया। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक है। उससे आगे जाके एक ऊपर कच्ची रोड निकलती है, बजोल की साइड से होते हुए हमारी तरफ गांव को रोड जाती है। आपको आगे दिखाएंगे कहाँ से हमारा गांव है, क्या है, सब आपको आगे बताते रहेंगे। और थोड़ा हम अपना फैमिली वालों से पूछ लेते हैं, आपको कैसा लगा आज, क्या लगा? दीक्षित आप पूछेंगे आप थोड़ा घर वालों से क्या कैसा लगा पापा फिर आपको मंदिर जाके? आज हमको जब भी हम वहाँ हल्द्वानी से चले उसके बाद जाके भीमताल में पूरी चारों तरफ ताल का एंजॉय लिया। एंजॉय लेने के बाद कैंची धाम मंदिर में आए, जो कैंची धाम एक उत्तराखंड का मशहूर धार्मिक स्थल है। इस स्थल पर फेसबुक के मालिक भी यहां पर आए हुए हैं और कभी बहुत बार उस मंदिर के बारे में चर्चा की है। ये हमारा जो मंदिर है कैंची धाम, ये नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज हम घर को जा रहे हैं अपने गाँव को। आज घी संक्रांति भी है और आज हम रक्षाबंधन बनाने के बाद ही वापस हल्द्वानी आएंगे। तो पापा तो बहुत एंजॉय लिया, पापा को बहुत मज़े आए आज। अभी हम ये बजोल पे हैं। चलो फिर हम उतरते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यूज दिखाते हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ गजब चीज़ है। एक चीज़ तो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये कैसा है। ये पूरा गंजा पहाड़ है, इसमें एक भी पेड़ नहीं है, बस ओनली फॉर इसमें घास ही घास उगती है। और जब घास का टाइम ख़त्म हो जाता है तो बिल्कुल ये सूखा पड़ जाता है। हल्का ग्रेजिंग के लिए है। हाँ, ये ग्रेजिंग के लिए है। बहुत ही अच्छा है, लोकेशन है काफ़ी अच्छा। यहाँ देखो मेरी फैमिली, मेरी मम्मी भी यहाँ पर उतरी है। जबकि आप इसके जस्ट पीछे देख सकते हैं इसमें पेड़ भी बहुत है। ये देखो यहाँ ये पेड़ बहुत हैं, यहाँ ये बकरियाँ, कितना अच्छा व्यू बन रहा है यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें भी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है पहाड़ की शुद्ध हवा में। बहुत ही हम अपने घर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारी रोड ख़त्म हो जाती है गाँव की। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पे पूरे गाड़ी में से सामान निकाल रही है। देखिए थोड़ी हम पैदल पैदल चल चुके हैं घर की तरफ को। तो देखिए थकान हो रही है फिर। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, थकान बहुत हो रही है। ये पहाड़ी स्टाइल में ले आ रहे हैं दीक्षित सिंह। चाचू थकान हो रही है आपको चढ़ाई में? चलो फिर अभी हल्के हल्के होगी। हाँ, आप तो पुराने टाइम के हुए राइडर, बिल्कुल चलते थे। ये देखो शेरू, एक हमारा घर का डॉगी भी आया है यहाँ पे। दोनों दोस्त हैं जोहन और हमारा शेरू। फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं अपनी हवेली पे। ये देखो हमारा हवेली जैसा घर। आखिरकार बहुत थोड़ी सी चढ़ाई थी बट लगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए सर, हमारा इतना प्यारा सा घर है, बहुत ही बड़ी हवेली है। दरवाज़ा देखिए, ये देखिए पूरा लुक वाइज, पहाड़ का लुक वाइज वाइज होम। ये देखिए वो देखो हमारी चाची भी झाग रही है ऊपर से। चाचा से मिलाते हैं आपको। चाचा पहला, ये हमारे चाचा जी हैं,
अभी हम पहुंचे हैं जस्ट, अच्छा इतनी गर्मी हो रही है यहाँ भी, क्या बात, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, अभी बारिश होने का मौसम हो रहा है, बारिश होने का मौसम होगी बारिश। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं न्यू वीडियो में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।